तो अगर एज ए सिविल इंजीनियर सोचना है और आपका खुद का आपको बिजनेस सोचना है, ठीक है, या खुद का पैसिव इनकम समझना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना एक भूत निकालना पड़ेगा कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, ये भूत मत करो, ठीक है, तुम कौन हो, तुम एक्चुअली में यहाँ पर आए क्यों हो, ठीक है। अभी कई लोग को ऐसा होता है कि अरे यार मेरे प्रोफाइल को ऐसा बोल दिया सर ने, ठीक है। मेरा ये मानना है कि हम कोई भी जॉब करते हैं उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सर्वाइविंग, यही होता है ना, सबके दिमाग में यही आएगा कि यार सर्वाइव करना है, ठीक है, पैसे कमाना है, यही तो मेन उद्देश्य होगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो हार्डकोर पैशनेट हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ पैशन की वजह से कर रहा हूँ, नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है या फिर मैं खुद को ही बता सकता हूँ कि हमारा पहला कंडीशन होता है कि हम अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को फिल करें, कुछ पैसे अर्न करें, राइट। तो जब पैसे अर्न करना है तो अपने आप को इतना बांध क्यों रखे हो कि मैं यही बनूंगा, ठीक है। डेफिनेटली आप सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, लेकिन सिविल इंजीनियर क्या क्या कर सकता है, ठीक है, इसके बारे में कभी सोचा कि सिविल इंजीनियर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अभी मैं एक जगह गया था, एक जगह क्या गया था, अभी सैटरडे संडे जानते हो मैं बहुत ज़्यादा विजिट करता हूँ, जितना हो सकता है लोगों से मिलता हूँ मैं, सैटरडे संडे ये मेरी खासियत है, ठीक है। कुछ लोग तो जानते हो, ओमकार मेरे से मिल चुका है, जानता है, मैं सैटरडे संडे ज़्यादातर मार्केट में रहता हूँ, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे छाप के काम करता हूँ, सैटरडे संडे मार्केट में रहता हूँ, लोगों से सीखता हूँ। तो मैं एक बहुत अच्छे एक लड़के से मिला, तो लड़का क्या था, प्लॉटिंग कर रहा था वो, ही वॉज जस्ट 25-26, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, देख रहा था कुछ प्लॉट्स वगैरह, तो मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कितना कितने का लिया, तो बोला कि भाई मैंने इतने इतने का लिया, लगभग वो 2 CR का पूरा प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है, कितने का, 2 CR का। नाउ ही इज जस्ट सेलिंग दैट ऑल द प्रॉपर्टीज अप्रॉक्स इन 5-6 CR, कितना, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके उस कितने में सेल कर रहा है वो, 5-6 CR, ठीक है। क्या सिविल इंजीनियर इसमें नहीं कर सकता क्या? सिविल इंजीनियर और ज़्यादा में सेल कर सकता है, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे, तो सिविल इंजीनियर उसको लग्जरी बना सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू अमाउंट्स। क्या कर सकता है वो, एक अच्छी सी रोड निकाल दे उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि लोग निकालते हैं वो थोड़ा यूनिक स्टाइल में कर दे, देर आर डिफरेंट मेथड, कभी बोलोगे तो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर दे, उसके अंदर एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर दे दे कि भाई ये रोड लेवल है और यहाँ से मैं ड्रेनेज दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखो तुम पैसिव इनकम बोल रहे हो इसलिए मैंने बोल दिया, बता दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि मैं ये बताऊँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसमें डीपी लगा सकते हो, डीपी इन द सेंस करंट लगाने के लिए होता है, डायरेक्ट यहाँ से डीपी लगाओ आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है, तो आपने डीपी लगा दिया, ठीक है। अब वो एक प्लॉट को जो सेल कर रहा था अप्रॉक्स, उसका एक एवरेज बता देता हूँ, अप्रॉक्स 10 10 लाख का 1000 स्क्वायर फीट था। बींग अ सिविल इंजीनियर अगर वो मुझे मिल जाए, ठीक है, तो मैं उसको 25 25 लाख का 1000 स्क्वायर फीट सेल कर सकता हूँ। रीजन कि मैं वो ऐसी चीज़ें दूंगा जो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। मैं उसको गूगल के माध्यम से पिन कर सकता हूँ कि भाई इस लोकेशन को पूरा गूगल मैप पे आप डालोगे तो इजिली आ सकते हो, ठीक है। इंटरनेट की एक लग्जरी व्यवस्था कर दिया कि हाई स्पीड इंटरनेट कुछ नहीं करना है, एक एयरटेल कंपनी को कॉल करो तुरंत ही लगा के जोड़ेंगे, ठीक है। इंटरनेट की फुल फैसिलिटीज़ दे दिया और उसके बाद ड्रेनेज का फुल फैसिलिटीज़ दे दिया, ठीक है, सीवो लाइंस दे दिया। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, क्या ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं हूँ, पर मैं जो करता हूँ अभी उसका लेवल थोड़ा छोटा है, क्यों, क्योंकि आई वॉज इन द जॉब, ठीक है, कोविड के बाद ही मैंने एक्चुअली में बोलो तो थोड़े से इस वर्ग में देखना स्टार्ट किया है। उसके पहले जब आप जॉब करते हो तो अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को करना प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि हम पेट को ही देखना होता है, पेट भरे तब तो मतलब महीना ख़त्म हो रहा है तो अकाउंट में 400 रुपये बच रहे हैं, कैसे सोच लो कि 4000 करोड़ की कंपनी बनानी है, गॉट इट, ठीक है। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज, ठीक है। तो इसीलिए तो हम लोग 95% में ही रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ पूछो पूछो, डोंट वरी, ठीक है। हम लोग 95% में ही रह जाते हैं। इफ़ यू वॉन्ट इन टू केम इन 5%, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और होके इस तरीके से सोचो कि कैसे मैं इस प्लॉटिंग के बिजनेस को पैसिव इनकम बना सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं सपोज उसमें से जो चीप प्राइस में चीज़ें होंगी मैं उसको कलेक्ट कर लूँगा, एंड आफ्टर 2 to 3 ईयर और 4 ईयर्स हम उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो मैं बहुत छोटे से टाइम में थोड़ी सी अच्छी इनकम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़े से क्या बोलते हैं टाइम में क्या बोलते हैं ज़्यादा अच्छी इनकम कर लेता हूँ ड्यू टू सेल ऑफ दैट प्रोजेक्ट। मैं उसी परस्पेक्टिव से गया हुआ था वहाँ पे जब, और वहाँ से थोड़ी सी इनकम करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ अभी ये तो ये क्या बोलते हैं ऐसे तुम कर ही सकते हो डेफिनेटली,
ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सर इतने बिजी रहते काम में, ठीक है, ठीक, कैसे करते होगे ना, ऐसा सोचते होगे कि सर कैसे करते हैं। यस आई एम, बट मैं मैनेज कर लेता हूँ, रिसेंटली अभी आई एम मैरिड, बट अभी मैं सब मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बस ये होता है कि आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सर योर एक्सपीरियंस स्पीक्स, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से करोगे तो आप बेहतर कर पाओगे, ये मैं आपको जरूर बोलूँगा। सर मेरे मन में भी एक क्वेश्चन था, ओके ठीक है, बट ऐसे कुछ नहीं होता है, आप अगर अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा करके उसको प्लॉटिंग्स के लिए देख रहा था, ये पहला पैसिव इनकम है। जानो मैं तो आज आपको पैसिव इनकम का पूरा एकदम लेसन सी दे रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है जिसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, बस इतना है कि मैं छोटे लेवल पर कर रहा हूँ। आई एम जस्ट परचेसिंग 5 लाख 10 लाख प्लॉट्स, और उसके बाद मैं उसको 12 लाख 15 लाख जितने में मिल जाता है मैं सेल करके बाहर आ जाता हूँ। पर डेफिनेटली इसको मैं आगे बड़ा करने वाला हूँ और ज़्यादा ढेर सारे सेल करने वाला हूँ, और आगे तो और भी बहुत कुछ प्लान है, बट ठीक है इतना भी रखो। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा इनकम क्या है, दूसरा इनकम है मटेरियल्स का, ठीक है। मटेरियल्स में बहुत अच्छी आप पैसिव इनकम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कई तरीके हैं करने के, उन तरीकों को अगर आप समझ पाओ तो। एक तरीका तो ये है कि आप जो अभी आज के टाइम में लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरा भी ऐसा है कि इन फ्यूचर बहुत जल्दी मैं प्लान करूंगा, मटेरियल्स का जिसने शॉप खोला हुआ है उसको खोले रहने दो शॉप को, तुम उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। उससे सिर्फ कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। सपोज मेरा मटेरियल का पूरा काम है, ठीक है, तुमने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिया, और कॉन्टेक्ट करके तुमने क्या किया, ये मैं पैसिव इनकम का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस हैं, शायद आपको यूज में आए, थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है इसके बेस पे बोल रहा हूँ। क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से, सपोज मेरी एक खुद की कंपनी है, ठीक है, मैं सीमेंट का प्राइस दे रहा हूँ कितना, 420 का बेच, सॉरी 340 350 की बेच रहा हूँ, ठीक है। तुमने बोला कि ऐसा बताइए कि अगर मैं आपसे हर महीने लेके जाऊँ तो मैंने बोला कि हर महीने अगर लेके जाओगे तो मेरे 20 रुपये की प्रॉफिट होता है, मैं 10 रुपये प्रॉफिट कम कर दूंगा। मैंने कितना कर दिया, मैंने उस सीमेंट के प्राइस को कर दिया 330 रुपये। तुम्हारा और मेरा कोलेब्रेशन हो गया, और हमने एक हमारे पास कई ढेर सारे एग्रीमेंट्स के तरीके हैं, तो एग्रीमेंट्स कर लिया हमने आपसे कि हम आपसे इस रेट में खरीदेंगे इस सिटी में। क्या हो गया, उस सिटी का आपका डॉक्यूमेंट फिक्स हो गया, इस सिटी में हम इसे ले लेंगे। ऐसे करके आपने मान लो कि कोई एक स्टेट पकड़ लिया, कोई एक स्टार्टिंग में कोई सिटी ही पकड़ लो, करके आपने उस चीज़ को रजिस्टर्ड कर दिया इंडिया मार्ट पे, जस्ट डायल पे सुलेखा.com पे, ठीक है। आप जस्ट अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो कि आई एम हियर विथ ऑल द बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। आपको कॉल जाता है, आप कॉल रिसीव करो, आप उनके ऑर्डर बोलो कि भैया आपके ऑर्डर क्या है, सैंपल चाहिए, सैंपल भेजता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप उनको दे दो। अब उन्होंने डन किया कि भाई मुझे 200 बैग सीमेंट चाहिए, या फिर दो क्या बोलते हैं, 2 ब्रास 3 ब्रास सैंड चाहिए, कोई बात नहीं। आपने अपने पर्सन को बोला कि भाई इतना इतना भिजवा दो इस लोकेशन पे, आपका कुछ नहीं गया, आप घर पे बैठे थे, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, बहुत अच्छे से भावे इसके इनकम जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो ना, तो ये एक अच्छा पैसिव इनकम हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये वाला दूसरा वाला जो मैंने बताया मटेरियल वाला, जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, डेली वॉक करना, डेली टॉक करना, क्योंकि 10 लोगों से बात करोगे तो 3 से 4 लोग रेडी होंगे, ठीक है। तो अब वो कॉन्टेक्ट्स बनाना, और कॉन्टेक्ट्स बना के अपने आप को इस तरीके से मार्केट करना, विथ योर जॉब यू कैन डू दिस, ठीक है, ठीक है। मैंने सीमेंट के लिए ऐसा किया था, एक कंपनी से और एक डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया था, और एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था लखनऊ का, ठीक है, तो अभी वो दुबई में है इसलिए अभी तो हमारा कोलेब्रेशन नहीं चल रहा है। तो उसको बहुत अच्छे सीमेंट चाहिए थे, मैंने बोला था कि ठीक है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब वो एक अंकल थे हमारे रिलेटिव थे, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया कि आप हमें कम कितने में कम करके दे सकते हो। उन्होंने बोला मुझे 5 रुपये बैग दे दो, बाकी तुम ले जाओ, ठीक है। मैंने काफ़ी ट्रक्स सेल करवाए उनके साथ, और उसमें थोड़ी बहुत मुझे बेनिफिट्स हुआ था। तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो, तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट अगेन। समीर बोल रहे हैं सर कभी कभी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है तो पैसे अटक जाता है फिर भी, और फिर इतने साल से परचेज की हुई प्रॉपर्टी का सेम रेट या थोड़े से प्रॉफिट में बेचना पड़ता है। करेक्ट, देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि कोई भी प्लॉट है मान लीजिए वो सेल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये यही तरीका होता है कि एक बिजनेसमैन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, वो प्लान करेगा, क्या प्लान कर सकता है, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, पर इस
प्रॉपर्टी में कुछ और हो कि इनकी स्किन कमा सकती है क्या? सब कुछ किसी प्रॉपर्टी में आपने 20 लाख लगाए हुए हैं, ठीक है, अब वो 20 लाख ही तो निकालना है, वो निकल नहीं रहा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, क्या वहाँ पर कोई एक ऐसा हो सकता है कि किसी एक रेस्टोरेंट वाले को हम उसको रेंटेड कर दें कि आप रेस्टोरेंट खोल लो, ठीक है, क्या हो सकता है? अब उसमें देखो क्या अपॉर्चुनिटीज कितनी ढेर सारी है, मैं एक छोटा छोटा मेटेरियल बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप एक छोटा सा वेयर हाउस बना सकते हो पीवी स्ट्रक्चर्स का, मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये में एंगल्स तैयार हो जाएंगे, एक फ्रेम तैयार कर दिया, पीवी स्ट्रक्चर बना दिया, और उसको किसी न किसी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको नीड होती है, दे कैन टेक दैट, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, क्या प्रॉपर्टी ऐसी है क्या कि उसके अगल बगल कॉलेजेस हैं? अगर कॉलेज हैं तो क्या हम उसको एज अ रेंटेड कर सकते हैं क्या? यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। देखो कितने ढेर सारे, मतलब प्रॉपर्टी से 20 लाख निकालना ही तो है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स। और पहली बात, दूसरी चीज़ ये कि आज के टाइम में प्रॉपर्टी बहुत कम अटकती है, अगर आपको सही तरीके पता है। आज के टाइम में 99 एकर्स पर प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, आप क्या बोलते हैं इस पे मैजिक ब्रिक्स पे कर सकते हो रजिस्टर्ड, ठीक है, OLX पर रजिस्टर कर सकते हो, मतलब अगर तुम मेरे से इस पे डिटेल में बोलोगे तो पूरा एक लेक्चर बता दूंगा कैसे कैसे कर सकते हो। और तो बहुत रेयर है कि आपकी प्रॉपर्टी रुके 1 साल से ज़्यादा, यू कैन गेट दैट, ठीक है। शॉप्स रेंट पे दे सकते हो इफ लोकेशन इज गुड, एग्जैक्टली शॉप्स दे सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप खुद ही सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, आपको मटेरियल्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, प्लॉटिंग हो रही है इसका मतलब वहाँ पर मटेरियल तो सेल होने ही होने वाला है, फिक्स है, तो क्या हम कोई मटेरियल्स का शॉप्स में डाल सकते हैं क्या ऐसा? ठीक है, डेफिनेटली आज के टाइम में कुछ आपको वहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कैमरा लगा देते हैं, एक सेल्समैन रख देते हैं प्रॉपर, वो सेल्स करके आप देखते रह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहीं पर भी बैठ के आप सेल कर लीजिए, वहाँ से निकल लीजिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि आपकी प्रॉपर्टी डेड नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ अगर कभी करना चाहो तो ये दूसरा मेथड है जिसको आप रियल इस्टेट में बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और भी सही चीज़ है, क्या है तीसरा मेथड बताता हूँ रियल इस्टेट में पैसे अर्न करने के, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं इनमें से कई में ट्राई नहीं किया हूँ, लगभग सब में ही मैं हाथ पैर मारता हूँ, कुछ में सक्सेस मिला है कुछ में नहीं मिला है। तीसरा मेथड ये है कि आज के टाइम में बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं जहाँ जहाँ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कोई नहीं पूछ रहा है ड्यू टू सम रीजंस, सपोज़ कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं USA में सेटल हूँ, कनाडा में सेटल हूँ, तो अभी मैं अपने प्रॉपर्टी का सही रेट ले ही नहीं पा रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को फाइंड कर सकते हो जिसके पास प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा है बट दे आर नॉट एबल टू अरेंज दैट प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो अरेंज नहीं कर पा रहे, उस प्रॉपर्टी से अर्निंग नहीं कर पा रहे। आपने उसे कॉन्टेक्ट कर लिया कि आप रेंट पे देते हो तो आप कितना लोगे, सो सपोज उन्होंने बोला कि रेंट पे देने का मैं इस प्रॉपर्टी का 12,000 15,000 मंथ लूंगा, ठीक है, आप उसको बोल दो कि ऐसा करते हैं कि हम आपको 20 पे करते हैं, कितना 20 पे करते हैं, ठीक है, आप 20 पे करने के लिए रेडी हो जाओ और अब यहीं से तुरंत दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कितना दे रहे हो आप एक 2 BHK के लिए 20,000 आप पे कर रहे हो, ठीक है, थोड़े से पैसे रिनोवेशन में डालो, इसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, बहुत ढेर सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर सकते हो कि कोई भी इस लोकेशन पे है, इफ दे डोंट वांट टू गो इन होटल्स दे वांट टू स्टे इन होम, होम फीलिंग उनको आनी चाहिए अगर ले आना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो आप उनको रजिस्टर कर दीजिए, आपको कम प्राइस में ये मिल जाएगा, कम प्राइस मतलब 2 BHK अगर आप उसको सेटल करते हैं सही तरीके से, तो हॉल को आप कम पैसे में रिनोवेट करके दे दीजिए, दो जो सेपरेट रूम है उनके ज़्यादा चार्जेस ले लीजिए, आप अप्रॉक्स 3,000 के आसपास डेली चार्ज कर सकते हो उस प्रॉपर्टी का अगर आपके पास टेक्निक है तो, और इस हिसाब से आप 90,000 अर्न करते हो। आप अपने लेबर्स को निकाल दो, ठीक है, सारी चीज़ों को निकालने के बाद भी आप कम से कम 30 से 40,000 वहाँ से रेंट पे कर सकते हो। सिविल इंजीनियर ये भी कर सकता है, ठीक है, एक सिविल इंजीनियर एक आर्किटेक्ट के पास आर्ट है ना, ठीक है, एक आपकी खराब सी बिल्डिंग है थोड़ा सा रिनोवेट किया, थोड़ा डिज़ाइन कर दिया, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हो, एज ए धर्मशाला यूज कर रहे हो, बहुत से मेथड्स हैं आप करके वहाँ से भी रेंट पे आउट कर सकते हो। इसके बारे में मैंने सोचा था क्योंकि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने ट्री हाउस स्टार्ट किया है, ठीक है, मुझे बोला था पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अभी मेरा राइट टाइम नहीं है मेरा इन्वेस्ट करने का बहुत पहले, वो हिमाचल में ट्री हाउस स्टार्ट किया हुआ है, सिविल इंजीनियर है, ठीक है, ही इज अ सिविल इंजीनियर, ही इज गेटिंग वेरी गुड पैकेज, ठीक है, कैसे करता है वो ट्रीज को काट के, क्योंकि हिमाचल में क्या प्रॉब्लम होती है जो हिमाचल को होंगे शायद उनको पता होगा, ठीक है, कि वहाँ पर आप रेंट को आप लैंड को परचेज नहीं कर सकते हो। तो उसने क्या किया, वो वहाँ पर उसका कॉलेज था तो वहाँ पर पढ़ाई करता था, तो बहुत से लोग उसके नोन हो गए थे, तो उसके थ्रू उसने रिलेशन बनाया और फिर रिलेशन बना के उनसे बोला कि हम पार्टनरशिप में कर लेते हैं। तो वो ट्रीज को क्या कर दिया, ट्रीज में
अपने छोटे छोटे घर बना दिए प्रॉपर डिज़ाइन करके, ठीक है। और उसके बाद उसने अपनी स्टेयर्स वगैरह लगा के बहुत बढ़िया ऑफिस मेंटेन कर दिया। और उसके बाद उसको सबको सारी प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है, कि आप मोबाइल हाउस सॉरी आप ट्री हाउस में अपने आप को रख सकते हो। पीजी मॉडल बना दिया कि जिसके पास कम पैसे हैं वो पार्ट शेयरिंग में कर ले, और क्या बोलते हैं जो लोग ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं मैं उस तरीके से, अब तो कोई बिजनेस माइंड तो उसका था तो उसने बनाया, जो लोग पूरे लग्जरी टाइप चाहिए था पूरा फीचर्स दे दिया। और उसके साथ वो एक प्रॉपर्टी का 3,000 2,000 4,000 वो जो फ्री के पेड़ ऐसे झूम रहे थे उन पेड़ों से वो पैसे कमा लिया, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट कि सिविल इंजीनियर ये भी कर सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सब थोड़े से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिक्स करके, अब बात करता हूँ टेक्निकल में, ठीक है। टेक्निकल में आप क्या कर सकते हो पैसिव इनकम में, ठीक है। अभी हमारी एक टीम उस पर लगी हुई है, आज ही हमारा आईडी वगैरह सब कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं टेक्निकल में, बहुत से फॉरेन का आपने देखा फॉरेन में कितना महंगा महंगा वर्क हो रहा है, ठीक है। 10 10 20 20 लाख रुपए तो छोटी छोटी प्रोफाइल्स के लिए मिल रहे हैं। आपके बहुत ढेर सारी साइट्स हैं जहां पर आप प्रोफेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करो, और आप तो बीआईएम के बैकग्राउंड से आते हो तो आपको तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड करो खुद को, काम आता है, ठीक है, उस पे काम पे बिडिंग करो, 1 महीना लगेगा सीखने में, उसके बाद पक्का है कि आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करो, उनको बढ़िया काम करके दो। मिनिमम पे आउट आप $10 पर आवर्स पे कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, मतलब $10 मतलब समझ रहे हो 800 रुपये 1 घंटे का। अगर आप सही तरीके से 4 से 5 घंटे काम कर देते हैं तो महीने का 1 लाख रुपये कहीं नहीं गया, चार। और ये बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग $10 पर आस में करेंगे ही नहीं, मिनिमम उसे अगर हम चार्ज करेंगे तो $50 से $60 पर आस करेंगे, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो $50 से $60 पर आस का कितना पैसा होता है, ठीक है। तो ये टेक्निकली काम हो गया कि आप घर पे बैठे हो, बढ़िया सा आईडी बनाया, पोर्टफोलियो सबमिट किया, उसके अंदर पोर्टफोलियो सबमिट करने के बाद बता दिया कि हमारा एजुकेशन वगैरह क्या है, एक्सपीरियंस दिखा दिया, बस फटाफट प्रोजेक्ट उठाओ। और टेक्निकली न कुछ करना है न कुछ, अब इसको और बड़ा कैसे कर सकते हो, ठीक है, पहले इतना स्टार्ट कर लो, ठीक है। बड़ा अगर करना होगा तो आपके पास बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप हायर कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो। उनको बोल सकते हो कि भाई हम $20 पर आस लेते हैं, आप उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको डायरेक्ट क्लियर कर दो कि आपको $5 पर आस दूंगा। $5 पर भी लोग बहुत हैप्पी हैप्पी रेडी हो जाएंगे क्योंकि लगभग उनको 50,000 मंथली मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे भी सोच सकते हो कि प्रोजेक्ट किसी और से ले रहा हूँ, करा किसी और से रहा हूँ, मुझे जस्ट सबमिट करना है, ठीक है, ये मॉडल मेरा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आज के टाइम में बहुत कम प्रोजेक्ट खुद से कर पाता हूँ, पहले करता था जब कोई काम ही नहीं होता था। अभी क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट कोई और लेता है मेरा, मैं वो भी नहीं लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ उनका रिक्वायरमेंट आता है कि सर ये प्रोजेक्ट मिल चुका है, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ कि आप करोगे, रेडी हुए तो उनको उनसे बोला भाई आप ये काम है करके दे लो, इसको मेल कर दो, मुझे बता दो, तो मैं जस्ट इमीडिएटर बनता हूँ, और कुछ उनको नीड होती है तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ, तो मुझे भी इससे अच्छी खासी इनकम हो जाती है। पर आज के टाइम में थोड़ा सा मार्केट मेरा डाउन है इस सेंस में, क्योंकि मेरा टाइम मुझे कम मिल पा रहा है, नहीं तो मैं और इसमें अच्छा कर सकता हूँ। जैसे बोलो ना टाइम, तो मेरे साथ भी टाइम का दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई जादू थोड़ी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपका एम बड़ा होता है तो टाइम निकल आता है। और किसी को जानना है 5 6 मेथड मैंने बताया भावेश, तुमने टॉपिक अच्छा छेड़ दिया, मुझे एक दिन इस पर डिस्कस करना ही था, तो मैंने सोचा चलो आज डिस्कस कर ही देता हूँ, तुम्हारे लिए हेल्प आउट हो जाएगा, समझ आया। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ों से भी आप इन अर्निंग कर सकते हो और नॉन टेक्निकल चीज़ों से भी कर सकते हो। हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स की बैच में है, वो क्या करता है, वो अपने एरिया के जितने आर्किटेक्ट हैं सबसे मिल के आया हुआ है, ठीक है, और सबको अपना विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, सबको क्या करता है पहला मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देता है, ठीक है। इस समय नोएडा में बहुत अच्छा वो पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है, अकेले, ठीक है, बहुत अच्छा पैसे अर्न कर रहा है, सिर्फ जाके लोगों को विजिटिंग कार्ड देता है, ठीक है। मेरा ही मॉडल है कि पहला प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, वो पहला प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, ये फ्रीलांसिंग का तरीका है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता है और इतना बेहतर करके देता है कि दोबारा फिर से उसको प्रोजेक्ट मिलता है। इस तरीके से कर करके 3D बना बना के स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन कर करके वो महीने का 70,000 80,000 रुपये अर्न कर लेता है बिना किसी जॉब के, जस्ट थिंक, ठीक। जॉब के साथ करने में कौन सी कंपनी, कोई कंपनी में दिक्कत नहीं होती, नहीं, जॉब के साथ करने में आप अगर आप हाईलाइट करते हो आदेश इस काम को तो डेफिनेटली दिक्कत होगा, हाईलाइट नहीं करोगे तो किसको पता है, ठीक है, अगर हाईलाइट नहीं करोगे तो किसको पता है, ठीक है। जैसे मैं जब जॉब में था तो मैं यूट्यूब चलाता था, तो ये मेरी कंपनी की तरफ से ये इलीगल था, वो चाहते तो मेरे ऊपर केस कर सकते थे, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, मैंने उसको कैसे मैनेज किया था, बहुत एक्सप्लोर नहीं कर रहा था और
थोड़ी बहुत सेटिंग कर रखी है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कुछ कि आपको बहुत रीनेम नहीं करना है, ठीक है, उसको कर सकते हो। किसी और के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अजय, प्रियदर्शी, धर्मीन, सोलंकी, शुभम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इफ यू ऑन माइंड, तो पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ये सब प्रैक्टिकल मेथड है, कोई ये नहीं है कि मैंने कोई किताब पढ़ी हुई है। बिलीव करो, कोई ही मेरे दिमाग में कुछ रट के नहीं आया हो, जो मैं किया हूँ, जिस पे मैंने धक्के खाए हैं, वो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। लास्ट वाला मेथड तो बहुत ही आसान है, ठीक है। जो ये है, हम लोग कैसे करते थे, डालते थे नियर बाई आर्किटेक्ट, जस्ट डायल पर पूरी लिस्ट आ जाती है कौन कौन आर्किटेक्ट है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, उनको मेल करना है, उसके बाद मीटिंग के लिए अगर उन्होंने बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोल दिया डायरेक्ट चले जाने का, उनको विजिटिंग कार्ड देने का, सर मेरा ये सैंपल देख लीजिए, मैंने कुछ ऐसे ऐसे डिजाइंस किए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको पहला प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, आप सामने वाला हैप्पी, एक प्रोजेक्ट फ्री में होके मिल रहा है, 5-6 हज़ार का फायदा हो रहा है, बस फिर क्या है, काम बन जाता है और सामने वाला अट्रैक्ट होके आपको प्रोजेक्ट दे देता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हो। यस, रिसर्चिंग नहीं एक्चुअली, पेमेंट एडवांस में होने के बाद, ठीक है, पेमेंट एडवांस ये काम होने के बाद नहीं। हमारा कैसा होता है, हमारा एक फिक्स अमाउंट होता है कि हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले लेंगे, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी मनी, ठीक है। तो 2000-3000 की सिक्योरिटी मनी स्टार्ट ले लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या बोलते हैं, हमारा कम चांस रहता है फंसने का पैसा, क्योंकि मार्केट में पैसे फंसते हैं। बहुत सही बात बोला इन्होंने, मैं बताना भूल गया ये चीज़, और क्या बोलते हैं, ये भी मैंने करके देखा हूँ, और इस पे मैंने एक वेबसाइट देखी थी, तब मेरा काम हो तब मेरे जो ये आइडिया लगा था 2017 में, मुझे आइडिया लगा था, एक वेबसाइट है beamobject.com, ठीक है। सो मैंने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा हुआ है, तो मेरे मन में था कि कभी ऐसा मैं भी करूँगा, पर अभी मुझे लगता नहीं कभी मैं इतना इस पे जाने की सोचूंगा। जो रेबिट पे अच्छी अच्छी फैमिलीज बना सकता है, जो क्या बोलते हैं, 3ds Max में अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स बना सकता है, वो भी उनको सेल कर सकता है, ठीक है। तो एक आर्किटेक्ट थी 2018 के आसपास में, तो उसने एक जगह से खरीदा था लगभग 35,000 की फैमिलीज, ठीक है, रेबिट फैमिलीज 35,000 की मुझे उसने दिया था। उसने बोला कि अगर तुमको चाहिए तो ले लो मेरे से, मेरे पास बहुत ढेर सारा है। तो मैंने सोचा कि यार ये 35,000 का इसने खरीदा, मुझे फ्री में दे तो अच्छा ही है, ले लेते हैं। तो फिर लेकिन तब क्या था, मेरे पास उतने रेंज और बजट नहीं था। अभी तो देखो मेरे पास ये 5 TB की हार्ड डिस्क से, मेरे पास एक और है, वो और ज़्यादा किया क्या शायद, तो पहले इतना स्टोरेज नहीं था मेरे पास, तो मैंने उससे लिया, बट डिलीट करना पड़ा, मेरा लैपटॉप हैंग करने लगा। तो 35,000 की फैमिलीज ने लिया, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसी फैमिलीज हम लोग बना लें या फिर हम बनवा लें, ठीक है, आज के टाइम में पुणे की जितनी कंपनियां हैं सभी फैमिली सेल करती हैं। आपने नील सॉर्ट का नाम सुना होगा, वो भी फैमिली सेल करती है, ब्लैक एंड विच करती है। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे इस पे पैसे लोग अर्न करते हैं। कई साइट्स भी हैं, बीम ऑब्जेक्ट है, टर्बो स्क्वाइट है, ठीक है। तो मैंने इन साइट्स को देख के ही मेरे आइडिया दिमाग में आया था कि आई विल डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ, ये अब देखो इनके पास इतना पैसा है कि कौन सी हीरोइन है ये, अब जो भी है, क्या नाम है पता नहीं, अभी इसका नाम तो मुझे नहीं पता, इसका नाम पता है क्या तुम लोग को, कोई हीरोइन हीरोइन लग रही है मुझे, ठीक है। तो ये देखो इससे एडवर्टाइज किया हुआ है, टर्बो स्क्वाइड भी है, ठीक है, और ये देखो अभी तुमको दिखाता हूँ, हाँ ये हीरोइन ही लग रही है, ऐसे कुछ एक्ट्रेस ही लग रही है। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसके पेड प्राइजेस होंगे, ठीक है। कई ढेर सारी साइट्स पे जाओगे तो इनके सारे कंपोनेंट्स आपको पेड मिलेंगे, बहुत ढेर सारे। तो इनके एक एक कंपोनेंट के प्राइजेस होते हैं $10, $20, $15 के आसपास, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो, आप पा सकते हो। सपोज मुझे अभी के लिए क्या बोलते हैं, गेट चाहिए अच्छा सा, तो गेट में भी देखोगे कुछ गेट इन्होंने फ्री दे रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ डेट गेट इसके क्या है, पेड है। तो ये सब तो मुझे ऐसे फ्री वाले ही दिख रहे हैं। सपोज ये फैमिली है, ये आपने वन टाइम बनाना है, ठीक है। वन टाइम बनाने के बाद इसको जब डाउनलोड पे जाओगे तो आपसे प्राइस पूछेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरी मेरा आईडी तो बना हुआ है इस पर, मैंने रिसर्च उससे बहुत कर डाला है इस सब पे। ठीक है, ये करके यहाँ डाउनलोड ऑल, ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री है, ऐसे कह रहे सर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में ऐसे तो मतलब अभी तो मतलब कि कोई फिक्स मैं नहीं रखता हूँ कि मैंने कौन सा, अभी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है हमारा,
एक यहाँ पर प्रोजेक्ट आपका है, अजय को प्रोजेक्ट देखना है, इस तरीके के प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, पूरा बीम का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, टीम ने बनाया, मैं मतलब कि बहुत रेयर होता है कि मेरे साथ टेबल डिफाइंड बहुत बिकते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा बिकते हैं, आप देख सकते हो। सेंड मी द प्लान व्हाट्सएप सर बोलते हैं सर, वो प्लान ले लेते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर को दिखाते हैं और काम चालू कर लेते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, इसीलिए मैंने बंद कर दिया उसको। मैं पहले पेमेंट लेता हूँ, उसके बाद ही मैं काम करता हूँ, इसको मैं सिक्योरिटी मनी बोलता हूँ। ठीक है, ये देखो ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न दिस मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आप भेज दे ले लेना। ये पूरा एक क्या बोलते हैं अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है ये। इस तरीके से बीम्स के प्रोजेक्ट आते हैं। यहाँ पर ये देखो सारा, यहाँ पर आपको वॉल मिलेगी, टॉप मेसिंग मिलेगी, स्टेयरकेस मिलेगा, शेयर वॉल मिलेगा, नॉन स्ट्रक्चर वॉल, बीम, कॉलम, फुटिंग्स, इसके अलग अलग आपको सेक्शंस मिलेंगे, अलग अलग एलिवेशंस मिलेगा, सारा डिटेल्स मिलेगा, शेड्यूलिंग्स भी हो रखी है। देखो इसकी पूरी की पूरी बार बेंडिंग शेड्यूल अलग से हुआ है। ठीक है, मैं भेज दूंगा आज, यू कैन जस्ट वॉच दैट। ठीक है, और पैनल्स जो लगे हैं वो पैनल्स कितने ढेर सारे लगे हुए हैं पूरी के पूरी, ये क्या बोलते हैं, हाउ मेनी पीपल वर्क ऑन दैट, इस डिपेंड कि कितना बड़ा है। ठीक है, इस डिपेंड कि कितना बड़ा है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिटेलिंग्स नहीं मांग रहा है तो केवल सिविल वाला करके दे देगा, कोई इलेक्ट्रिकल डिटेलिंग मांग रहा है तो या तो मैकेनिकल वाला करके दे देगा, फिर इलेक्ट्रिकल वाला, या फिर समटाइम्स सिविल वाले भी अभी आज के टाइम में दे के दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे भी सर, ठीक है चलेगा, मैं जो मुझे दिखेंगे मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। ठीक है, देखो मुझे क्या होता है कि अभी हमारे हमें तो आपको सिखाना है, तो वी कैन लर्न व्हाट एवर आई हैव, वी कैन टेक इट। चलो कुछ किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपका ये सब कुछ भेज दूंगा। ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो एज ए सिविल इंजीनियर, अपने आपके माइंड को ब्रॉड करो, एज ए आर्किटेक्ट अपने माइंड को ब्रॉड करो कि आई एम नॉट ओनली फॉर दिस ओनली। ठीक है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, टीम बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ मैं हमारा ऐसा है कि सभी लोग का कोलेब्रेशन अच्छा है, प्लस मैं टीम का नॉलेज नहीं देखता हूँ, उनके एथिक्स देखता हूँ, मतलब उनके नेचर्स को देखता हूँ कि हाउ दे आर। ठीक है, मैं कभी भी बहुत टैलेंटेड या फिर बहुत वीक को पसंद नहीं करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके अंदर लर्निंग की एक चाहत हो। ठीक है, दे वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आई कैन टीच देम। ठीक है, अभी प्रियदर्शी बोल रहा था, मैं प्रियदर्शी को बताया भी कि मैंने एक अपने एम्प्लॉय को 2 महीने तक फ्री की सैलरी दिया हूँ। ठीक है, 2 महीने तक फ्री की सैलरी दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद उसको मैंने, क्योंकि 2 महीने तक फ्री सैलरी देने का मेरा रीज़न क्या था, मेरे पास टाइम नहीं था उसको सिखाने का, तो मेरी मेरा एक ऐसा नेचर है कि मैं बिना सिखाए किसी को भी परेशान नहीं करता कि नहीं तुम करो चाहे जैसे करना, नहीं पहले सीखो, 2 महीने मेरे फ्री में जाएंगे जाने दो। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 हफ्ते तक उसको सिखाया, फिर मैंने उसको काम दिया। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे फ्री की सैलरी क्यों मिल रही है, तो बट वो टाइम का वैसा रेंज हो रहा है तो वैसा होता है। तो मतलब यही वर्क का यही एथिक्स होता है कि फर्स्ट ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू योर यू वर्क। ठीक है, चलो का प्रोजेक्ट हो सकता है कैसा, हाँ जी हो सकता है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है और क्या बोलते हैं अभी वो क्या बोलते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स भी करके देता है, देव्यानिक करके नाम है। ठीक है, आप वो उसका काम केवल केवल स्कैन टू बीम में है, पूरा काम करके दे देता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी वर्क तो आपको चाहिए हुआ तो दे सकते हो। ठीक है, हाँ मैं खुद ही लेने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैंने प्लान किया, शायद मंडे को हम लोग लेने वाले हैं स्कैन टू बीम पर एक प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरा का पूरा हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, चलो और किसी को कोई डाउट होप नहीं है, टेक्ला में लेक्चर नंबर 20 वॉच कर लेना और पीबी का एक्सेट बना लेना, बाकी कल करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है अगर आपने इसको ब्रॉड माइंड से सोचा होगा तो। ठीक है, तो एक बार मैंने एक बार एक लड़के को ऐसे सजेस्ट किया था, बोलता है सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ मैं ये सब काम क्यों करूँगा। मैंने बोला नहीं, आपका एम होना चाहिए कि सिविल इंजीनियर कहाँ से अच्छी अर्निंग करके एक अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू।